आगे बढ़ सकती थी। जो बच्चे आज आपको गुमराह कर रहे हैं कि कहते हैं हम इनकलाब लाएंगे, इनकलाब गुलाम नबी आजाद साहब ने तब लाया था जब चिली में स्पेशल भर्ती की थी, जब डिग्री कॉलेज दिए थे, जब रोड दिए थे, जब स्कूल दिए थे। यहाँ उमर अब्दुल्ला कहता है कि मैं डेवलपमेंट करूंगा, मैं नौजवानों को रोजगार दूंगा। जब फारूक अब्दुल्ला हाई सेकेंडरी झकास में आया, हम स्कूल में पढ़ते थे, हम गए, फारूक साहब आए हैं 10+2 लाए हैं, तो उसने क्या कहा कि मेरे जेब में है यहाँ 10+2। फारूक अब्दुल्ला तुझे मैं तो कहता हूँ इस सिद्धांत से, ये वो फकर हिंद गुलाम नबी आजाद साहब है जिसने एक सुकून के बदले 1000 डिग्री कॉलेज दिए। हमारे अस्पताल दिए, हमारे बापू को, हमारे चाचू को, हमारे भाइयों को टीचर लगाया। हिस्ट्री चेक करो तुमने, अगर हुकूमत 70 साल की हिस्ट्री 27 महीने की फकर हिंद गुलाम नबी आजाद साहब की देख लो, देख लो। तुम इंकलाब की बात करते हो, 8 तारीख तुम्हें पता लगेगा कि आजाद तेरे जान सार बेशुमार। ये जनता जो यहाँ है, एक एक हर फर्द, हर घर से, हर जवान से मेरी गुजारिश है कि आज के बाद हमने ये कैंपेन करनी है कि हमने अगर जवाब दुश्मन को देना है तो वो वोट से देना है। जो हमारे पास पावर है वोट देने की, हमने इस तरीके से बाल्टी को भरना है कि जवाब लगना चाहे तमाम दुश्मनों को। आजाद साहब, ज्यादा वक्त न लेते हुए, ये जवान जो आपके सामने उम्मीद है काफी है कि आजाद साहब जब आएंगे तो जरूर हर स्कूल जग्यास चिल्ली में, जग्यास में, कारा में, पाटी में, डोडा में स्पेशल भर्तियां होनी चाहिए। और अब मैं लास्ट पे एक नारा दूंगा, मगर पूरा मजमा उसका जवाब देना चाहिए, मगर ऐसा जवाब कि पूरा डिस्ट्रिक्ट डोडा ऐसे हिलना चाहिए। आजाद तेरे जान सार, आजाद तेरे जान सार, बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया। इसके बाद जाफर, पहले से 2 मिनट के लिए, 2 मिनट।